मैम, सबसे सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, आज मौलाड ग्रुप का आप सपोर्ट कर रही हैं डांस एकेडमी को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक अच्छी चीज़ है जो उन लोगों ने शुरू की है कि 50 बच्चे लेके उनको फिल्म इंडस्ट्री क्या है, एक्टिंग क्या है सिखाना, प्लस उसमें डांस स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कुछ सिखाना। इट्स अ फ्यूचर करियर, अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, सिंसियरली। आज की यूथ जो है बॉलीवुड से थोड़ा हटके अदर डांस फॉर्म में ज़्यादा कुछ उनका क्रेज नज़र आ रहा है, इस बारे में खैर आपको मालूम है जैसा ऊपर जाते हैं वैसा नीचे आना पड़ता है ना जी। आप एक टेलर के पास जाएंगे, लॉन्ग स्लीव सिलाएंगे, फिर छोटा स्लीव, बड़ा स्लीव, स्लीवलेस बाद में, फिर लॉन्ग स्लीव, है ना। तो ये फैशन है, अभी ये वेस्टर्न चल रहा है हवा, लेकिन अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया ये वो आप देखिए, इंडियन आ रहा है, डोंट वरी, हमारा इंडियन कहीं नहीं जाएगा। मैम, अभी अपकमिंग आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और मतलब युवाओं को जिससे? पहली बात तो कभी मुझसे नाम नहीं पूछना, मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैंने कौन सी पिक्चरों में किया है। बहुत, मैम वो तो 2000 फिल्में, नहीं नहीं, टीवी देखती हूँ तो याद आता है कि ये गाना मेरा है जी, लेकिन ऐसा मैं शूटिंग करके आ जाती हूँ बस, मतलब डांस से जी। मैम क्या लगता है, ऐसे जो इंस्टीट्यूट आजकल ओपन हो रहे हैं, डांस एकेडमीज ओपन हो रही है, बहुत सारी हो रही है, तो क्या लगता है यूथ को ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन देंगे डांस फॉर्म सीखने के लिए? कोशिश इनकी तो ऐसी ही है, बाकी आगे और कोई करता है या नहीं नहीं मालूम, लेकिन सूर्य प्रकाश जी बहुत सीरियस है। मैम आज एक गाना भी लॉन्च हुआ है बारिश के बहाने, उसके बारे में आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बबूना जी बहुत प्यारा गाया है, मेलेडी बहुत थी उसमें, एक तो बहुत टाइम के बाद कान को ज़रा आराम मिला है, मेलेडी इतनी थी, काश वो इसी ट्रेंड पे चले जी।